हमने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताया था, 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2, यह सूत्र आपने पढ़ा था। वी नो दैट, है ना? और यहाँ पे कितने उत्तल लेंस लगे थे? दो उत्तल लेंस। पहले लेंस की फोकस दूरी F1, दूसरे की, अगर उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, नहीं होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। पहले लेंस की भी धनात्मक होगी और दूसरे लेंस की भी धनात्मक होगी। अगर इन दोनों के स्थान पर एक हम बड़ा लेंस ले लें और उसका जो फोकस दूरी है वो क्या मान लेते हैं? कैपिटल एफ। और उसका जो क्षमता है वो क्या मान लेंगे? पी। इसका पावर मानेंगे P2 और इसका पावर P1, ठीक है? और इस स्थिति में 1/F जहाँ है, अगर फोकस दूरी के सूत्र से बात करें P = 1/F से, तो ये जो स्मॉल P है क्या हो जाएगा? कैपिटल P। और जो यहाँ पे स्मॉल F है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब इस लेंस के लिए अगर बात करें, देखते जाइएगा, इस लेंस के लिए बात करें इस फार्मूले से, तो जहाँ P है वहाँ पे P1 और जहाँ F है वहाँ पे, पहले लेंस के लिए P1 = 1/ समीकरण, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। दूसरे लेंस के लिए क्षमता P2, फोकस दूरी F2, ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ आप देखिए, 1/F के स्थान पे, 1/F के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/F के स्थान पे P, यहाँ पे P1। ये देखो 1/F1 = P1, 1/F1 के स्थान पे प्लस 1/F2 के स्थान पर, ये है सूत्र। ये दो लेंसों के लिए संयुक्त क्षमता का सूत्र है। अब मान लीजिए दो से अधिक हो, तब दो से अधिक के लिए P = P1 + P2 + P3 + …PN। आगे देखिए, थोड़ा नोट में लेते हैं, पहले निगेटिव ले आएंगे ना। यहाँ देखिए, अगर एक हम उत्तल लेंस लें, अभी दोनों क्या थे? उत्तल थे। एक उत्तल लेंगे और एक, इसकी क्षमता पॉजिटिव और इसकी क्या होगी? क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो इसका जो P2 होगा वो क्या होगा? ऋण में। अगर दो लेंस हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, दो लेंस हैं तो जहां पर P है, P1 के स्थान पे प्लस P1 और P2 के स्थान पे माइनस, ये हो जाएगा। लिखिए पहले इतना। अगर मान लीजिए, देखे, अगर पहले लेंस, ये इस लेंस की वैल्यू अगर धनात्मक है तो दूसरे, और या फिर कहें इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव, तो P का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये बड़ा है, P1 > P2, ये 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 घटाओगे, धन में आएगा कि ऋण में?
तो पी इज पॉजिटिव। दूसरा केस अगर ले पी वन बराबर पी टू, देखो अगर ये पी वन और पी टू का मान पाँच पाँच आ जाए तब पी इज शून्य होगा, और ये तीसरा केस अगर लेकर चले पी वन इज लेस देन, तो पी देखो अगर ये कम और ये ज़्यादा तो निगेटिव आएगा, ये दो है ये तीन है तो दो में से तीन माइनस और निगेटिव हो जाएगा। ये लिखिए